हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट व्यूड वेब सीरीज़ ऑफ लास्ट वीक, जो कि लास्ट वीक में रिलीज हुए हैं। पांच ऐसी वेब सीरीज जो सबसे ज़्यादा देखी गई हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपको ये पाँचों की पाँचों वेब सीरीज़ देखनी है फ्री में, तो आप कैसे देख सकते हो एक ही जगह पर। सो सबसे पहले नंबर पर आती है द फैमिली मैन सीजन 2, जिसने अपने पहले ही वीक में 5.3 मिलियन व्यूज़ गेन किए हैं, जो कि अमेज़न प्राइम पे रिलीज़ हुई है। सो अमेज़न प्राइम पे इतने व्यू आ गए, तो और जगह से देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा ये पॉपुलर हुई है पिछले वीक में। फैमिली मैन सीजन 2 की स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे श्रीकांत तिवारी अपनी टास्क की जो जॉब है उसको छोड़ के कॉर्पोरेट जॉब शुरू कर देता है 9 to 5, और उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है उसके अंदर। इसमें आपको काफ़ी फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा, लेकिन श्रीकांत बाद में अपनी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर टास्क को फिर से ज्वाइन करने लगता है, और वो एक मिशन को भी हेड करता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको देखनी चाहिए। और सीरीज़ को देखने से पहले आप एक इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कई जगह पे ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। सो आपको सबटाइटल्स में देखना पड़ेगा जब भी तमिल लैंग्वेज यूज़ होगी। सो जिसको तमिल आते हैं वेल एंड गुड है, अगर नहीं आते तो आप सबटाइटल्स की हेल्प ले सकते हैं। सो नंबर 2 पे आती है महारानी वेब सीरीज़, जिसने एक ही वीक में 1.5 मिलियन व्यूज़ गेन किए हैं, और ये रिलीज हुई है सोनी लिव के ऊपर। सो इसकी स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे एक यूपी के गांव में रहने वाली एक महिला, जो कि बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, कैसे यूपी की सीएम बनती है और कैसे अपने राज्य को चलाती है। सो अभी आते हैं अपने नंबर 3 पे। सो नंबर 3 पे है ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल, इसका सीजन 3। सो ये अल्ट बालाजी पे रिलीज हुआ है, इसने 1 मिलियन व्यूज़ गेन किए हैं एक वीक में। सो इसमें क्या स्टोरी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो इस वेब सीरीज़ में सिद्धार्थ शुक्ला मेन लीड रोल में है। सो ये एक लव स्टोरी बेस्ड मूवी है, पर मुझे तो ज़्यादा कुछ पसंद आई नहीं। सो ऐसी लव स्टोरी दिखा रखी है कि थोड़ी अनरियल सी लगती है, आप मतलब कि रियलिस्टिक कुछ है नहीं, कुछ ज़्यादा ही लव स्टोरी दिखा दी। शायद आपको पसंद आए, अगर आपको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर देखिए। तो अभी आते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे है ट्रुथ और तमन्ना। सो इसके ऊपर एक वीक में 0.5 मिलियन व्यूज़, और ये रिलीज़ हुई है वूट पे। सो पहले तो मुझे इसका पोस्टर देख के लगा था कि ये तमन्ना जो साउथ इंडियन एक्टर्स हैं उनकी मूवी है, लेकिन बाद में ट्रेलर देखा तो ऐसा लगा कि नहीं, और कोई एक्ट्रेस इन्होंने लड़की है। एक बार तो पोस्टर देख के ऐसा लगता है कि हाँ वही तमन्ना है, एक्ट्रेस हैं जो साउथ इंडियन है, पर ऐसा नहीं है। तो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक लड़का होता है जो कि प्रोफेशन से फोटोग्राफर होता है। सो एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम तमन्ना होता है। सो उनके बीच एक लव स्टोरी चलती है काफ़ी टाइम तक, लेकिन एक दिन क्या होता है कि तमन्ना एकदम से गायब हो जाती है। वो किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है, क्या कर रही है, जिंदा भी है या नहीं। तो लास्ट तक आपको पता लगेगा कि असल में उस तमन्ना के साथ क्या हुआ था। तो मूवी में आपको काफ़ी सस्पेंस मिलेगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें, आपको भी मेरे हिसाब से अच्छी लगेगी। सो अभी आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे है आउट ऑफ लव, इसके ऊपर आए हैं वो 0.5 मिलियन व्यूज़, जो कि रिलीज़ हुए है डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे। सो इसकी स्टोरी भी काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है। सो ये स्टोरी है हस्बैंड और वाइफ के बारे में, और वाइफ है अपनी मीना जी जो मिर्ज़ापुर में है, आपने देखे होगा। सो असल में उसका नाम मीना नहीं है, वैसे मैं मिर्ज़ापुर के बता रहा हूँ कि अगर आप समझ जाए कि कौन है असल में। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई गई है। इसमें क्या होता है कि जो वाइफ है उनके हस्बैंड उसको चीट करते हैं, और एक दिन उनकी वाइफ को पता लग जाता है कि ये बंदा मेरे ऊपर चीट कर रहा है। तो उनके झगड़े होते हैं काफ़ी, उनका एक लड़का भी होता है, लेकिन झगड़े इतने काफ़ी बढ़ जाते हैं कि दोनों सेपरेट हो जाते हैं। उनकी वाइफ जो होती है मीना, मतलब कि मिर्ज़ापुर वाली वो लड़की, सो वो क्या करते हैं कि उसको छोड़ के आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं और जगह रहने लग जाते हैं। लेकिन 3 साल के बाद उनके हस्बैंड उनसे मिलने आते हैं। सो उसके बाद काफ़ी ड्रामा शुरू होता है। सो आपको वो देखना चाहिए। तो ये थी 5 वेब सीरीज़ जो काफ़ी देखी गई हैं लास्ट वीक में। सो अगर आपको ये 500 की 500 देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक वीडियो दिखी हुई आई बटन में, आप उसके ऊपर क्लिक करें। मैंने बताया है टेलीग्राम पे आप कोई भी मूवी कैसे देख सकते हो। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के नेम दिए हुए हैं, जो कि आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई है। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैं वहाँ पे आपको उसका लिंक सेंड कर दूँगा। पहले ट्राई करें कि नाम सर्च करके आपको मिल जाएगा, जो भी 2 नाम दिए हुए हैं मैंने, उन दोनों को आप टेलीग्राम के ऊपर जाके सर्च करेंगे तो आपको मेरे दोनों चैनल मिल जाएंगे। वहाँ पे मैंने जो भी नई मूवी या सीरीज़ आती है वो अपलोड की है। आज मैंने लोकी मूवी अपलोड की है वहाँ पे, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने वो 3-4 वीडियो क्वालिटी में अपलोड की है, जो भी आपको अच्छी लगी आप ज़रूर देखें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो वीडियो रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताएँ कि मैं कैसे अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ।
सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव ए गुड डे।